एक तरफ जहाँ पे कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब को कंपलसरी कर देना चाहिए, हिजाब पहनकर एग्जाम देने के लिए मंजूरी मिलनी चाहिए, हिजाब के साथ साथ जो बुर्का है उसको भी मंजूरी मिलनी चाहिए, वो भी लड़कियां पहनकर स्कूल कॉलेजेस में जा सके और वहां पे एग्जाम वगैरह दे सके। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो कहते हैं कि हिजाब और बुर्का हमारी आइडेंटिटी है और इस चीज के लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं, हमारे देश के अंदर दंगे का माहौल भी बनाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ईरान की महिलाएं इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि वो ये चाहती है कि जबरदस्ती उनके ऊपर हिजाब और बुर्का थोपा ना जाए, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट कानून है लड़कियों के ड्रेस को लेकर, और बहुत समय से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है इस कारण। वहीं पे सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अब पूरे तरीके से अबाया को बैन कर दिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब अबाया और हिजाब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हिजाब जो होता है वो शोल्डर तक ही ढका करता है।